मेरा नाम ग्यावर चिंगिया है, लबर्स क्लैन एफसी का मैनेजर। पर्स में जब पहला हाफ में 1-0 था, तब थोड़ा दिल जो धड़क रहा था कि सोचा कि बाद में, फिर जब नेक्स्ट हाफ स्टार्टिंग हुआ तो 2-1 हुआ तो मतलब दिल जो थोड़ा सा अलग से डर गया, तो सोचा कि ये गेम जो सेमीफाइनल जो है कि आज तक फाइनल था हो जाएगा बल्कि सोचा नहीं था। लेकिन मेरा प्लेयर लुक जो है वो लोग उन लोगों ने प्लेयर्स लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस किया। आज का सबसे अच्छा खिलाड़ी मैं घोषित करता हूँ जिमिट, जो कि सबसे छोटा है, जो सब्स्टिट्यूशन में उसे अंदर भेजा गया था, जो 10 नंबर का जर्सी है जो सबसे छोटा वाला। उसके बाद और बाकी सब जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी ने अच्छे खेले हैं, सभी ने साथ कंट्रीब्यूशन किया। मेरा नाम डोंडुप चिरिंग है और ये मेरा टीम लबबट क्लैन एफसी। और आज हम लोग मैच बहुत टफ मैच था, ओपोनेंट टीम भी बहुत टफ था, सो हम लोग भी अपना बेस्ट दिया, लोग भी अपना बेस्ट दिया, मगर स्कोरिंग की वजह से अभी जीत चुके हैं हम लोग। सो के पीछे रीज़न ये था कि हमने अपना टीम को मतलब आगे उठाया, सो डिफेंस लाइन भी आगे उठ गया, सो हम लोग को और सुविधा मिला कि हम लोग इस और आगे स्कोर आसानी से कर सके। सो वही जर्सी नंबर 10 था, ये जमीत मारा है, अभी ये सनफिश में भी खेलेगा, ये सनफिश ये फुटबॉल टूर्नामेंट आ रहा है, सो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरे तरफ से, मेरे टीम की तरफ से। सो ने एक गोल मारा है, दो वन गोल टू गोल हुआ इसका। सो और हमारे डिफेंस सुजीत पांगिंग ने एक गोल मारा है और मेरे खुद भैया चिरिंग दोरजी ने एक गोल मारा है। सर लगभग अभी मतलब रिकॉल कर रहे हैं मेमोरीज, हर साल जो खेलता है, ये जो मैच था मेरे हिसाब से ये ग्रैंड फिनाले का मैच होना चाहिए था। इतना शानदार मतलब मैच खेला गया है दोनों टीम का बीच में, ये अरुणाचल फ्यूचर अरुणाचल में मतलब ऐसे हमको नया नया स्टार देखने को मिलेगा आज जो खिलाड़ी लोग खेला है। तो यहाँ पर लबबर्ड्स क्लैन फुटबॉल क्लब जो कि 2-0 से मतलब पिचर रहा था, आखिरी 5 मिनट में 2-2 बराबर करके एक्स्ट्रा टाइम में पोर्टू से शानदार जीत उनको मिला है। अच्छा सर, फाइनल हम लोग 8 अक्टूबर कर रहा है संडे का दिन में, KKFC और लबबर्ड क्लैन फुटबॉल क्लब के बीच। मैं KK कंजल, चेयरमैन लाइन क्लब ऑफ चिंपू, ऑर्गेनाइजर चेयरमैन 23rd विश्वकर्मा रनिंग फुटबॉल टूर्नामेंट का, सभी दर्शक जितने भी हमारे अरुणाचल के वासी हैं जो ईटानगर में रहते हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो केंद्र विद्यालय नंबर 2 चिंपू ईटानगर के 8 अक्टूबर को शाम 3:30 बजे जरूर आइएगा, क्योंकि हमारा 23rd विश्वकर्मा फुटबॉल रनिंग टूर्नामेंट का ये ग्रैंड फिनाले होगा।
We'll be right back.